नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, यहां पर अन्वेषकों से संबंधित एक बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है। अन्वेषकों ने एक और याचिका दायर की है हाईकोर्ट इलाहाबाद में। क्या है वो याचिका, मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक राकेश पटेल की जो पोस्ट है उसे पढ़कर बता रहा हूँ। प्रिय अन्वेषक साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान अवधि में इस वर्ष शासन द्वारा हमारे शासनादेश में परिवर्तन किया है, जिसमें शीतकालीन की छुट्टी को समाप्त करते हुए 15 दिन रिन्यूअल ब्रेक किया जा रहा है और उन दिनों का मानदेय काटा जा रहा है। उन 15 दिनों को जून माह में जोड़ दिया जा रहा है, जो कि अधिकारों का हनन है। अपना कार्यकाल 11 माह 29 दिन हो जाए, 15 दिन की ठंडी की छुट्टी को पूर्व की भांति कार्यकाल में जोड़ा जाए, जून माह में बढ़ रहे कार्यकाल का भुगतान किया जाए, इत्यादि को लेकर पूर्व माध्यमिक अन्वेषक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा शासनादेश में हुए परिवर्तन को चैलेंज किया गया है, जिसकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कोर्ट 33 में सीरियल 31 और माननीय न्यायाधीश आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच में सुबह 11:40 पर सुना गया। सुनवाई लगभग 20 मिनट चली। माननीय न्यायालय ने शासन और निदेशक को अपना काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है एवं उनका काउंटर मिलने के उपरांत अपना रिजाइंडर उनके काउंटर का जवाब लगाने हेतु 1 सप्ताह का समय दिया है। वह अगली सुनवाई हेतु 1 नवंबर 2022 की डेट फिक्स की है। हम अन्वेषकों का मजबूती से पक्ष संगठन की अधिवक्ता श्रीमती दुर्गा तिवारी जी द्वारा रखा जा रहा है। धन्यवाद आपका साथी राकेश पटेल। तो साथियों, देखा आपने किस तरीके अन्वेषक, राष्ट्र निर्माता, शिक्षक अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लगातार लड़ रहे हुए और अपने लिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माननीय हाई कोर्ट की शरण में हैं, लगातार बने हुए हैं। मानदेय 17,000 को लेकर मामला हो या फिर 11 माह 29 दिन के कार्यकाल का पूरा भुगतान प्राप्त करने के संबंध में। तो ये थी साथियों अब तक की खास खबर। मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।